गाइस आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास रेडमी 9A का फ़ोन है और उसमें आपके फ़ोन का जो टच स्क्रीन है वो काम नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि कैसे आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों रेडमी 9A में टच जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको जो भी ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा उसको आपको अपने फ़ोन में अप्लाई करना है, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करना है। रिबूट करने के बाद दोस्तों आपका फ़ोन जब रिबूट हो जाएगा तो जब ऑन होगा आपका फ़ोन तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ओके। और अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको अपने फ़ोन में सेकंड ट्रिक को अप्लाई करना है। सेकंड ट्रिक के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों अपने फ़ोन को पावर ऑफ करने के बाद उसको चार्जिंग में लगा देना है, यानी कि आपको अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर देना है और उसको चार्जिंग में लगा देना है। उसके बाद दोस्तों चार्जिंग में लगाने के बाद आपको कुछ देर के लिए यहाँ पे छोड़ देना है, चार्जिंग में लगे रहने देना है, और जब आधे एक घंटे बाद जब आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा तो आप उसको फिर से ऑन करिए। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन का जो टच है वो काम करने लगेगा। और अगर दोस्तों फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप जो है मोबाइल शॉप के दुकान पे जा सकते हैं और वहाँ पे दोस्तों बोल सकते हैं कि आपका फ़ोन जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कि इसका टच जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आप जो है यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।